सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद लोग काफी परेशान हैं। पूरा देश बैंक और एटीएम की लाइन में खड़ा है। अब हालत यहां तक पहुंच गई है कि पैसे नहीं मिलने से परेशान लोग मारपीट पर उतर आए हैं। इलाहाबाद से एक बार फिर ऐसी ही कुछ तस्वीर सामने आई है, जहां कटरा इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बाहर लोगों और बैंक कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई। मारपीट की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह नोटबंदी ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया और लोग हाथापाई पर उतर आए हैं। दरअसल लोग यहां सुबह से बैंक की लाइन में खड़े थे, लेकिन कुछ देर बाद ही कैश खत्म हो गया, जिसने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया। इससे आक्रोशित लोगों ने कैशियर के साथ धक्का मुक्की की। धीरे धीरे ये बात बढ़ गई और दोनों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद कैशियर ने भी अपने कुछ साथियों को बुला लिया और इसके बाद क्या हुआ ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बैंक के बाहर संग्राम छिड़ा, लात घूंसे चल रहे हैं। कुछ देर में ही हालात इतने बेकाबू हो गए कि मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। अब गुस्साए बैंक के ग्राहक कैशियर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वैसे नोटबंदी के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों की हिम्मत टूट रही है। आपको बता दें कि आज नोटबंदी का 42वां दिन है, लेकिन अभी भी लोग बेहाल हैं और ये तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हैं। देखते रहिए डीवी लाइव।